विजय एजुकेशन कंसल्टेंसी और आज हम आपके लिए लेके आए हैं राइटिंग क्लास के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो आज मेरे साथ है शिप्रा मैम जो हमारा साथ देंगी इस वीडियो के लिए। तो शिप्रा मैम, मुझे ऐसा लगता है कि राइटिंग में ग्रामर अच्छा होने के बावजूद और वोकैबुलरी भी अच्छी यूज करने के बावजूद काफी लो स्कोर आते हैं स्टूडेंट्स के, तो उसके पीछे का एक कारण आपको क्या लगता है? उसके पीछे का जो सबसे मेन कारण है ना, वो टास्क रिस्पॉन्स है। बच्चों के ना जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे कोई टॉपिक है उसके ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं वो इररिलेवेंट होते हैं। कई बार ऐसा होता है उनको अगर टॉपिक दिया गया है तो वो टास्क से भटक जाते हैं और वो इतना डीप चले जाते हैं टास्क के अंदर कि उन्हें यही नहीं पता चलता कि हम टास्क से अलग जा रहे हैं, वो रिस्पॉन्स उसका है ही नहीं, राइट? तो और हम लिमिटेड होते हैं, राइट? हमारे पास लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, हमें उतने ही पॉइंट में, उतने ही लिमिट में हमें अपनी बात रखनी है, और अगर हम उस पॉइंट को इतना ज़्यादा खींचते हैं तो हम अपना वो जो मेन पॉइंट है वो हम रख ही नहीं पाएंगे। फिर आगे जो हमारा नेक्स्ट वाला अगर बॉडी की बात करें, फिर उसमें ही हम पॉइंट्स नहीं लिख पाते, वो ही नहीं हमें समझ में आता कि हमको लिखना क्या है। तो मेन पॉइंट यही है, लेकिन इसका सलूशन क्या हो सकता है जीपल मैम? मेरे हिसाब से इसका एक सलूशन ये हो सकता है कि जब हम क्वेश्चन रेफर कर रहे हैं तो उसको हम 3 से 4 बार तो एटलीस्ट रेफर करें, राइट? क्योंकि अभी क्या होता है ना कि एग्जाम में भी क्वेश्चन इतने लेंथी होते हैं जो एक बार में समझना बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली, इवन हमारे लिए भी वो बहुत मुश्किल होता है, हमें खुद 3-4 बार पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन को, एक बार में हम पूरा क्वेश्चन समझे, राइट? तो उनको एटलीस्ट 3 से 4 बार वो क्वेश्चन रिफर करना चाहिए और अच्छे से उसका मीनिंग समझना चाहिए। एग्जैक्टली, मुझे इसमें क्या लिखना है, राइट? राइट। और जो दूसरा पॉइंट मुझे लगता है वो है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग इज द मेन पॉइंट, राइट? अगर हम इन सब में बोलें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग अगर हम नहीं करेंगे तो हम लोगों को यही नहीं पता चलता कि हमने ऊपर लिखा क्या, क्योंकि कई बार हम टॉपिक लिखते हैं हमें यही नहीं पता चलता कि हमने कौन सा टेंस यूज़ किया है, पास्ट में जा रहे हैं, प्रेजेंट में जा रहे हैं। कई बार बच्चों का, आज मैं एक बच्चे का राइटिंग चेक कर रही थी तो वो प्रेजेंट में लिख रही है, राइट? प्रेजेंट में लिखते लिखते वो पास्ट में आ गई। मैंने कहा ये क्या किया, पास्ट में लिखो? तो बोलती नहीं मैम, वो लिखते लिखते मुझे फ्लो में भर जाते हैं। एग्जैक्टली, मतलब शी नोज द टेंस वेरी वेल, बट स्टिल उसने कहा कि मैम मेन बात है प्रूफ रीडिंग नहीं की मैंने। करेक्ट, शी वाज टेलिंग मी हरसेल्फ कि मैंने प्रूफ रीडिंग नहीं किया, अगर मैंने किया होता तो मेरे को खुद पता चल जाती है मिस्टेक। मतलब वो लोग अवेयर होते हैं कि प्रूफ रीडिंग करनी है, बट स्टिल वो लोग वो चीज करते नहीं है, राइट? बच्चों को ये चीज बताई जाती है बट वो भूल जाते हैं या फिर वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। मेन बात ये है, टाइम मैनेज अगर कर लें, लाइक 40 मिनट्स का होता है हमारा एक पैसेज, राइट? अगर आप उसमें से 40 मिनट्स की जगह 35 मिनट्स का उसको करके और 5 मिनट्स आप अलग से निकाल लें फॉर प्रूफ रीडिंग, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा ये, राइट? और दूसरा मुझे लगता है कि उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए डेली बेसिस पे, कि अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका माइंड उस टाइम पे ट्रेन हो जाएगा कि हाँ मुझे मेरा टास्क खत्म करने के बाद प्रूफ रीडिंग तो करनी ही करनी, राइट? वो उसको माइंडसेट करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक कि प्रूफ रीड करने से हमको हमारी 80% ऑफ मिस्टेक जो है वो खुद ही पता चल जाती है, खुद पता चल जाती है, और हम उसको करेक्ट भी कर लेते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, ग्रामेटिकल एरर या तो कोई स्पेलिंग एरर हो रहा है तो हम उसको भी सुधार सकते हैं। हाँ, कई बार बच्चे एस लिखना भूल जाते हैं। Yes. और एक एक पॉइंट देखा जाता है उसमें, तो एस कहीं पर लगाना होता है कहीं पर नहीं लगाना होता, बट वो दोनों चीजें कर देते हैं, दोनों चीजें ही लगा देते हैं, कहीं पर नहीं जहां लगाना है वहां नहीं लगाते, तो ये पॉइंट हो जाता है। इसीलिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और कई बार बच्चों को ये चीजें पता ही नहीं होती कि हम टास्क रेस्पॉन्स और प्रूफ रीडिंग मेन पॉइंट्स हैं, हम उन्हें ही नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उनको ये प्रॉब्लम्स आती हैं, इसी वजह से वो बैंक स्कोर नहीं कर पाते हैं। ग्रामर और वोकैबुलरी सब बताएंगे आपको, बट टास्क रेस्पॉन्स और प्रूफ रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप हमारे वीडियो ने आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर किए होंगे, बहुत हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। गुड बाय।